नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर जीएस बत्रा, आपका होस्ट, दोस्त, लाइफ कोच और मेंटोर भी। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर जीएस बत्रा, ईएसएसएम, आईकेएसएम और इसका ग्रुप। एक बार फिर से आ गया हूं आपके सामने अपने व्यू को लेके ऑन द पोस्टपोनमेंट ऑफ द एग्जाम जो कि इंस्टीट्यूट ने भी रिसेंटली किए हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स के पिछले वीडियो के बाद कमेंट्स आए थे, कॉल्स मेरे पास आए कि सर इस पर भी आप वीडियो बनाएं और अपने विचार रखें। तो मैं अपने विचार आज इस पोस्टपोनमेंट पर रखने जा रहा हूँ आप सबके सामने। जैसा कि आप सबको पता है, इंस्टीट्यूट ने फिर से एक बार कोविड-19 की सिचुएशन को देश भर में देखते हुए एग्जाम को पोस्टपोन किया है और अब ये एग्जाम 29 जुलाई से लेके और अगस्त तक होने जा रहे हैं। ये आप अच्छे से जानते हैं, सभी को इस बारे में पता भी चल चुका है। ऐसी सिचुएशन में मैंने देखा है स्टूडेंट जनरली डिसहार्टन हो जाते हैं। जब मई में एग्जाम नहीं हुए थे और अगला जून कहा गया तब भी कई बच्चे डिसहार्टन हुए थे, और अब इस जून के बाद जुलाई हो गए हैं तो कई लोगों की हिम्मतें टूट गई। आप सबको कहना चाहूंगा, हालांकि कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन हम सबको हिम्मत बनाए रखनी पड़ेगी। अगर हिम्मत नहीं बनाएंगे, मोरल हाई भी रखेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हम सबके लिए इस एग्जाम को पास कर पाना जो कि जुलाई अगस्त में होने जा रहा है। आप सबको पता है, आप सब लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, एक साथ एग्जाम देने जा रहे हैं, और हमारे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट करीब जनरल एवरेज 18% ही रहता है इंटरमीडिएट का। तो मतलब 100 बच्चा एग्जाम में बैठेगा और केवल 18 बच्चा ही पास करने वाला है, ज्यादा पास नहीं करेगा, उसको बाकी को अगले अटेम्प्ट में ही जाना पड़ेगा। तो मेरा कहना है ये आप सबके लिए अभिशाप में ही वरदान है। कैसे? अगर अब तक आपने पूरी पढ़ाई नहीं की थी तो ये अवसर है पूरी पढ़ाई का। अगर आप दो ग्रुप दे रहे थे और एक ग्रुप पे ही अब तक आपका एम्फेसिस था, तो अब ये समय आ गया है दूसरा ग्रुप भी अच्छे से तैयार करो। अगर अब तक आपने एक रिवीजन किया था तो दूसरे रिवीजन का आपके पास समय आ गया। अगर आप दो रिवीजन कर चुके थे तो आपको तीसरा रिवीजन कर लेना चाहिए। मेरा कहना है आपको इस स्थिति में अपना मोराल हाई बनाए रखें, क्योंकि पास तो उन्हीं 18 लोगों को होना है जो अपना मोराल हाई रखेंगे। हम इस परिस्थितियों में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूट भी एग्जाम रेफर कर रही है सिचुएशन को देखते, वो कैंसिल नहीं करना चाहती, वो नहीं चाहती कि नवंबर में दोनों अटेम्प्ट के एग्जाम एक साथ हो जाए, क्योंकि एक साथ कितना बर्डन पड़ने जा रहा है और स्टूडेंट के लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि डबल कैपेसिटी के स्टूडेंट एग्जाम देंगे, रिजल्ट का परसेंटेज वही रहना है। इसलिए इंस्टीट्यूट चाह रही है इस मे एग्जाम का अटेम्प्ट किसी तरीके से जून नहीं तो जुलाई में एटलीस्ट कर दिया जाए, अगस्त में कर दिया जाए। आप सिचुएशन समझे इंस्टीट्यूट, कोई नहीं चाहता आपके एग्जाम को डेफर करना, पर परिस्थितियां ऐसी बन गई है देश में कोविड-19 के कारण कि हमें एग्जाम आगे से आगे डेफर करने पड़ रहे हैं। तो आप अपना मोराल हाई रखें और कोशिश करें कि इस बार पूरी तैयारी आपसे अच्छी हो जाए, चाहे एक ग्रुप की, दो ग्रुप की, रिविजन्स की, ताकि आप अच्छे से एग्जाम दे पाए और पास करके आप फाइनल्स तक चले जाए या एक ग्रुप पास करके सेकेंड ग्रुप के लिए चले जाए। और अंत में मैं अपने एक बात को कहते हुए इस वीडियो को एंड करूंगा। दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिला करती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती। तो मेरी इस बात को याद रखना, आपको अपना मोराल हाई रखना है और जो मोराल हाई रखेगा वही इस जुलाई अगस्त के एग्जाम को पास कर पाएगा।